वेलकम इन स्कैरी वर्ल्ड। हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, स्वागत है तुम लोग का आज फॉर्म दी फॉक की एक ब्रांड न्यू एपिसोड पे। सो गाइस, इसको मैं खुद ही डेवलप कर रहा हूँ और अभी तो ये 10% कंप्लीट हुआ है। एंड गाइस, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। तो वैसे तो भाई अभी एक तुम्हें मैसेज दिखा होगा थोड़ी देर पहले, तो इस टाइम मैं कुछ भी तोड़ या फिर मॉप को नहीं मार सकता। मुझे एक प्लेन जगह चाहिए, फुल्ली प्लेन एंड ओपन, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एंटिटी को ढूंढना है। सो ये इतना ओपन जगह सही है, सो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे किसी भी मॉप को मारना है या फिर किसी भी ब्लॉक को तोड़ना है, जिससे यहाँ पे एक क्या कर सकते हो भाई। ओके, पहले मार के देखता हूँ। ओके भाई, काम किया। तो यहाँ पे एक रिचुअल प्ले हो जाता है और मुझे एक टॉर्च भी मिलता है, जिससे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट अप कर सकता हूँ। और साइड पे तुम लोगों का कुछ मैसेज दिख रहा होगा, तो ये है बासु प्लेस की मैसेज। ये बोल रहा है कि ज्यादा दूर मत जाना, मैं यहीं पर हूँ। अब मुझे यहाँ पे सिग्नल तो दिख चुका है, ये फायर वॉक यही है यहाँ का सिग्नल, और अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो गायब हो जाएगा। ओके, गायब हो गया। ये चीज़ मैं तुम्हें दोबारा स्लो मोशन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्केलेटन ने भाई एरो मार दिया था। ओके, और इससे मुझे एक डायरी मिला है जिसको मैं बाद में ओपन करूंगा। और यहाँ पे मेरे पास जो टर्टल हेलमेट था, उसके वजह से मुझे वाटर ब्रीथिंग मिल रहा है 10 सेकंड के लिए, और अगर मैं पानी के बाहर मुंडी करूंगा तो इनफिनाइट टाइम के लिए मिलेगा। ये तो है माइनक्राफ्ट की बेसिक रिचुअल, पेड़ तोड़ो, ग्राइंड करो। और यहाँ पे मैं अपनी भाई बेड बना लेता हूँ। वैसे ये रिस्पॉन पॉइंट सेट करने के काम आएगा, क्योंकि दिन और रात यहाँ पे बेड के हिसाब से नहीं होने वाला। ये यहाँ पे सोने के बाद भी दिन नहीं होगा, इसका टाइम पीरियड है, जैसे खत्म होगा फिर दिन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जूमर और फेन की बना लिया है। फेन की मदद से मैं जल्दी जल्दी भाई माइंड तो कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दैट। इसकी वीडियो पे जो मेन रिचुअल होगा वो होगा गोल्डन मिरर वाला रिचुअल, जिसको करने के लिए मुझे एमरेल की जरूरत है। बाकी के चीजें गोल्ड डायमंड तो मिल जाएगा, मेन दिक्कत है एमरेल, क्योंकि तुम्हें पता है भाई एमरेल भाई माइंड करने से भी नहीं मिलता, और ऊपर से भाई मुझे विलेज ढूंढना होगा, और दूसरा ऑप्शन है कि स्ट्रक्चर ढूंढना। ओके, तो भाई यहाँ पे चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। अभी तक मेरा किस्मत काफी बढ़िया है। अब बढ़िया है इसका रीजन मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। मतलब यहाँ पे हम लोग मॉब्स को ऐसे वैसे नहीं मार सकते, यहाँ पे मॉब कभी भी भाई हीरो प्राइम वाले मॉब्स को स्पॉन, ओके, जैसे कि मैं बोल रहा था हीरो प्राइम वाले मॉब्स को स्पॉन कर सकते हैं। तो इस चिकन ने हीरो प्राइम चिकन को स्पॉन किया है। तो अभी मैं थोड़ा देर के लिए मैं दूर चला जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए। ओके, मेरे पीछे आ रहे हैं ये लोग, और इनके आइज को मैं बदलना भूल गया था। चलो, अब मैंने इनके आइज को बदल दिया है। ओके, आप पूरा व्हाइट व्हाइट हो चुका है, पता नहीं चला आंखें कौन सा है। ओके, कोई नहीं, चिकन में भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बाकी के मॉब्स की तो आंखें समझ में आ जाएगा। ओके, एंड मुझे इस वाले मिरर रिचुअल को कंप्लीट करना है, और इसके लिए मुझे डायमंड भी चाहिए, गोल्ड तो भाई मिल जाएगा इजीली। तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे डंजन रेड करता हूँ, यही सब कलेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे अपने किस्मत दोबारा खराब निकला, क्योंकि इस बार जिस काउ को मैंने मारा ये भी हीरो प्राइम काउ निकला। अब यहाँ पे देखो, हर काउ को मारने से स्पॉन नहीं होता, बस कुछ ऐसे रेयर काउ है भाई, मतलब किस्मत बहुत खराब हो तो भाई तब जाके भाई ये लोग स्पॉन होते हैं। और पिक्स थोड़ा सा खतरनाक है शायद से यहाँ पे, आई डोंट नो, बट ये काउस थोड़ा खतरनाक तो है, इनके डैमेज बहुत ज़्यादा ही है। ओके, जैसे कि मैं आर्मर में हूँ फिर भी इसने भाई कच्चा खासा डैमेज देता है। ओके, तो मैंने इन लोगों को निपटा दिया है, अब चलो बाहर निकलते हैं। आई गेस अगर मैं पानी में नहीं होता तो अब तक मैं मर जाता। ओके, तो अब मैं ऊपर से इसे लूटने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक कोई स्पॉन नहीं हुआ, एंड जितना जल्दी हो सके भाई मुझे इनके स्पॉनर तोड़ना होगा। नीचे वाले स्पॉनर तो आई गेस मैं तोड़ नहीं सकता, यहाँ तक टूटते टूटते भाई वहाँ पे स्पॉन हो जाएंगे। एंड ये टूटा फूटा बैटल टावर है, तो आई गेस ये लोग ऊपर नहीं आ सकते। ओ भाई साहब, लूट काफी बढ़िया है, अपने को काफी सारे इनवॉट मिल चुका है और स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल चुका है। तो यहाँ की चेस्ट पे भाई स्मिथिंग टेम्पलेट मिल सकता है। ओके, किस्मत अच्छा हुआ तो। ओके, रहने के लिए मुझे काफी बढ़िया लोकेशन मिल गया है, बट एक प्रॉब्लम है कि आसपास काफी सारे प्लेजर्स टावर है, इन सभी टावर्स को मुझे फिक्स करना होगा। आई मीन भाई फिक्स क्या करूंगा भाई, इन सभी को खाली करना है भाई, अपनी जगह खाली करना है। चलो निकलो। ओके, मैं काफी ज्यादा लो हेल्थ पे आ चुका, मैं बस इनको भाई थोड़ा सा भाई आसपास ला के मार रहा हूँ। ओके, मरा भाई, एक बार अच्छे से आर्मर एंड टूल्स आ जाए ना, फिर भाई बिना चेल के इन्हें मैं खेलूंगा। ओके, यहाँ पे भाई ये है, चलो थोड़ा सा पास आ जाओ। ओके, नाइस, थोड़ा सा पास। ओ भाई साहब, शील्ड हो तो भाई काफी बढ़िया है, इतना बढ़िया शील्डिंग भाई जावा एडिशन पे नहीं होते भाई, बेडरॉक एडिशन पे इतना ज्यादा फायदा है।
एंड मेरा शील्ड ओके नहीं टूटा ओके भाई बस तो ये टूटने वाला है। मैं इस गड्ढे की फायदा लेगा भाई, इसकी मैं फायदा ले लेता हूँ ओके। एंड अब जल्दी से बाहर निकलते हैं ओके। अभी मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, मैं इसको जंप कर दूँ तो भाई ये सबसे बेस्ट होगा, कोई भी प्लेजर बाहर नहीं आ पाएगा एंड जितने भी बाहर है वो इधर उधर भाई घूमता रहेगा, या तो मैं इन्हें मार दूंगा ओके। सो पहले तो भाई अपने प्लान को यूज करने के लिए मुझे इनको पहले मारना होगा एंड इस जगह को खाली करना होगा ओके। आजा वापस भाई गड्ढे पे आजा, पता नहीं ये गड्ढे किसने बनाए ओके भाई, ये नेचुरली जनरेटेड गड्ढे किसने बनाए मैं भी ना। ओ भाई आजा जल्दी आजा यार, टाइम नहीं है मेरे पास ओके, बस हेल्थ भी नहीं है मेरे पास बना, मैं डायरेक्ट चला जाता। और ओके सो मैंने इस जगह को अच्छी तरह से भाई पैक कर लिया है, अब ये लोग बाहर नहीं आ सकते एंड जितने बाहर है उन सभी को मैं ठिकाने पे लगा दूंगा फास्ट वे ओके। मेरा शील्ड कब का टूट गया मुझे पता भी नहीं चला, तभी मैं सोचा ये लोग सभी से डैमेज क्यों दिया जा रहे ओके। अब ये मरा एंड अब मैं थोड़ा सा भाई शांत से भाई इन्हें लूटने वाला इन्हीं के आंखों के सामने, और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते ओके। तो जल्दी से मैं ये तोड़ देता हूँ ब्रेक्स, अरे भाई साहब फ्री के एक्सपी, चलो इन्हें मार के जल्दी से एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। इनसे मैं एरो की इन्फिनिट पंप कर सकता हूँ ओके भाई, ये लोग डैमेज देते हैं भाई ओके। मैं तोड़ देता हूँ अभी के लिए ऑन ओके, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो भाई साहब, बहुत सारे गोल्ड मिल गया मुझे ओके एंड इसके साथ साथ मुझे डायमंड भी मिल चुका है भाई। अब लगता है भाई अपना मिरर बनना इजी हो जाएगा इजी पीजी। सो जल्दी से मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ एंड देखते हो भाई साहब यहाँ पे बैक टू बैक दो दो स्पॉनर ओके। नीचे मुझे एक स्पॉनर दिख रहा है कॉर्नर पे, और एक तो भाई मेरे मुंह के सामने है, कॉर्नर वाले को तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ओके। मैं इस जगह को थोड़ा सा लॉक कर देता हूँ ओके। एंड यहाँ पे कौन सा स्वॉर्ड है भाई, ये तो भाई 7 अटैक डैमेज है गोल्ड स्वॉर्ड का, ठीक है कोई नहीं इसको मैं अपने साथ रख दूंगा एंड कुछ खास का काम नहीं है ओके किसी की ओके। थोड़ा सा ऊपर चलते एंड एक बार चेक करते कोई आसपास ओके नहीं है, बट फिर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते। सो इसके लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ ओके। आई गेस अब ये बिल्कुल सही हो चुका है एंड अब गाइस मुझे इसको तोड़ना है। ओ भाई क्या किस्मत है ओके, इसको भी लगा देते हैं, गार्ड रहना चाहिए। ओ भाई साहब इनके पास इतना सारा डायमंड भाई, इस वाले स्ट्रक्चर में तो भाई काफ़ी सारे डायमंड मिल गया एंड साथ साथ भाई मुझे एमरल्ड भी मिल चुका है एंड लगता है भाई अपने गोल्ड मिरर बनाने का सारा सामान आ चुका है। बट अभी भी मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि भाई डायरी पर लिखा था कि मुझे बॉस को मारना है, सो इसका मतलब भाई मुझे बॉस फाइट के लिए प्रिपरेशन लेना होगा ओके। एंड उससे पहले गाइस पहले इन जॉम्बीज क्या कहते हैं भाई, इन विलेजर्स को थोड़ा ठिकाने पर लगाते हैं, यहाँ पर विलेजर्स ज़्यादा अनोइंग है ओके। अपडेट आने के बाद जॉम्बीज ज़रूर हो जाएगा ओके। एंड यहाँ पे रात हो चुका है ओके, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रात हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मैं फटाफट यहाँ से ऑटोमेटिकली भाई चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ ओके। अभी सारी चीज़ें आ चुका है मेरे पास एंड अभी मुझे भाई रहने के लिए भाई एक बढ़िया सा जगह चाहिए, बट भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ पे सो के दिन नहीं कर सकते, सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस रिस्पॉन पॉइंट सेट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए एक टेम्पोररी जगह बना रहा हूँ ताकि मैं रह सकूँ। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा रूम बन चुका है ओके, अभी के लिए भाई इसी से काम चला लेता हूँ, आगे बाद में जाके मैं इसको थोड़ा अपडेट कर दूंगा, अभी के लिए तो भाई ये काफ़ी है। इन सभी बेकार के गड्ढों को भर देता हूँ भाई, गड्ढों को ओके गाइस। तो ये भाई बन जाएगा अपना भाई यहाँ का रहने का जगह एंड उसके साथ मैं फटाफट यहाँ पे भाई सो लेता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं था। जैसे मैं सुआ करता हूँ भाई सामने मुझे दिखता है रात, भाई साहब मतलब यहाँ पे जितना भी तुम सो लो भाई रात ही रहने वाला है, आप समझ लो ये एक डिफिकल्टी है। और ये मत सोचो कि भाई साहब मैं किसी जगह पे रह जाऊँगा तो बच जाऊँगा, भाई ये फॉर्म दी पॉक की भाई रीमेक है, तो समझ लो यहाँ पे भाई रात में भी बहुत सारे खतरे होंगे बेस के अंदर होने के बाद भी यस। तो अभी के लिए तो सारे खतरे ऐड नहीं किया गया, बहुत जल्दी वो सारे खतरे भी यहाँ पे आ जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि सुबह हो रहा है ओके, सुबह तो डायरेक्ट होना चाहिए ओके, आगे शायद थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होगा, कोई नहीं ओके। सो यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग कलेक्ट कर लेता हूँ, अब स्ट्रिंग से मैं फटाफट एक हैमर बना लूँगा क्योंकि मुझे चाहिए डायमंड आर्मर। एंड एक मिनट भाई पीछे कौन है भाई, यहाँ पे कोई NPC टाइप लग रहा है ओके। जूमर निकाल लेता हूँ फटाफट एंड जूम करके देखता हूँ, भाई व्हाट द हैक, ये तो हीरो प्राइम लग रहा है भाई, पास जाके देखते इसको, गायब नहीं हुआ और मुझे देख भी नहीं रहा, लगता है मुझे इसको थोड़ा सा अपडेट
भाई गायब हो गया। वाह भाई साहब, ओके अब ये थोड़ा सा स्केयर करने लगा है। अभी के लिए तो भाई अचानक सामने नहीं आने वाला, बट हाँ वो वाले सिस्टम में जो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ अचानक मुंह के सामने आ जाने। ओके तो यहाँ पे फटाफट मैं एक हैमर बना लेता हूँ। अभी मुझे दूसरा काम करना है, तो मुझे एक जगह देखना है जहाँ पे मैं आसानी से इस हैमर को यूज़ कर सकूँ एंड काफ़ी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकूँ। उसके लिए मैं नीचे आ रहा हूँ और नीचे में मुझे भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रहा था। ओके ऐसा करके नीचे जाने में भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और मेरे पास पानी की बॉकेट भी नहीं है, बकेट भी नहीं है, बॉकेट भाई बकेट नहीं है। ओके जल्दी लग जा, नाइस। बस मैं ऐसे करके नीचे जाने वाला हूँ अपने फॉल डैमेज को इग्नोर करने के लिए। ओके तो फटाफट गाइस यहाँ से भाई मैं निकालने वाला हूँ डायमंड एंड जितना हो सके उतनी जल्दी मैं यहाँ से भाई डायमंड निकालने की ट्राई करने वाला हूँ। ओके सारे रूम मुझे भाई देखना होगा कहाँ पे है डायमंड। ओके गाइस तो फाइनली मुझे यहाँ पे डायमंड मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे मुझे लैपिस भी दिख जाता है एंड अभी मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला, जितना हो सके उतना ज़्यादा मुझे गोल्ड भी कलेक्ट करके ले जाना है। ओके सो यहाँ पे मुझे एक क्या बोलते भाई हीरो प्राइम ज़ॉम्बी मिला था जिसको मैंने ठिकाने पे लगा दिया है। ओके एंड जल्दी से मैं अपनी एक सील बना लेता हूँ एंड इसको अपडेट कर देता हूँ सील रिंग पे, तो चार सील से। अरे यार मैं अपने पुराने वाले सील को यहाँ पे डाल सकता था, नया सील ले लेता। ओके कोई नहीं, अब देखो गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुका है कि मेरे पास हीलिंग का कुछ नहीं है, तो हीलिंग के लिए मैं यहाँ पे भाई गोल्डन एप्पल लेने वाला हूँ। तो इस वाले स्ट्रक्चर पे एप्पल आराम से मिल जाएगा, आई मीन बैटल टावर पे। ओके तो फटाफट मैं यहाँ से एप्पल लेके भागने वाला हूँ भाई, अभी किसी के साथ फाइट नहीं करना है। ओके तो ये आ गया गोल्डन एप्पल, तो हीलिंग का जुगाड़ हो चुका है एंड अब बस अपने को फाइट करना है। और राइट गाइस आई होप भाई इस फाइट को हम लोग जीत जाएंगे एंड तभी इस रिचुअल को ख़त्म किया जा सकता है। ओके तो मैं अपनी भाई क्रॉसबो भी रेडी रखता हूँ एंड खुद भी रेडी हो जाता हूँ। ओके एंड अब बस मुझे मिरर को लेना है हाथ पे एंड यहाँ पे फेंकना है। यस तो लेट्स सी। ओ भाई साहब यहाँ पे क्या आ गया भाई, स्लेंडर मैन। ओके सस्ता वाला स्लेंडर मैन। हाँ कोई नहीं बोले था भाई सस्ता वाला। थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है इसके मॉडलिंग पे, तो इसलिए भाई इसमें थोड़ा सा तुम्हें अजीब गरीब चीज़ें देखने को मिलेगा। मैं बाद में भाई इसके मॉडलिंग को फिक्स कर दूंगा भाई। स्लेंडर मैन स्लेंडर मैन स्लेंडर मैन। ओके बस ख़त्म होने वाला है। ओके ख़त्म हो गया और अपना एडवांसमेंट भी मेट हो चुका है, नाइस। और इससे मिला है मुझे स्प्रीड बूट्स, भाई साहब स्प्रीड बूट्स। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इससे कितना अपने को स्प्रीड मिलता है। ओके लेट्स ट्राई दिस। ओके चलो अब इसे पहन लेते हैं। और राइट तो मैंने इसे पहन लिया एंड इससे मुझे काफ़ी बढ़िया स्पीड तो मिल रहा है, तो इसे काफ़ी बढ़िया मैं यूज़ कर सकता हूँ एडवेंचर के लिए। और अगर इसमें जंप बूस्ट आ जाता तो पूरा हल्क वाला फील आ जाता। ओके स्प्रीड 5 मिल रहा है इससे इनफिनाइट टाइम के लिए, बाकी इसका जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा कम है, तो उसका जो दिक्कत है तो बाकी कोई नहीं। और आई गेस ये अनब्रेकेबल बूट्स है। ये अब आते हैं मेन चीज पे डाउनलोड। तो देखो ये मॉड तो 10% कम्प्लीट हुआ है, अभी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लाना बाकी है। तो गाइस आप मेरे ज़ोरोक्राफ्ट 2.0 वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ये मॉड पैक कम्प्लीट हो जाएगा मैं इसकी डाउनलोड वीडियो ज़ोरोक्राफ्ट 2.0 पे लाऊंगा। एंड तब तक के लिए गाइस सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट दिखाइए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अरा अरा, सायनारा।